इस वीडियो में ड्राइविंग के मामले में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो अगर आप करते हैं तो आप एक वाहिया ड्राइवर माने जाएंगे, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उन गलतियों को करते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं और उन गलतियों को सुधारने के बाद आप एक प्रो ड्राइवर बन जाएंगे। खैर, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके मामले में मुझे नहीं लगता कि आप प्रो हैं, पर आप प्रो बन सकते हैं। कैसे? मुझे ये लगता है कि आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के मामले में भी प्रो नहीं हुए हैं, तो भाई फटाफट से जाइए और नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, शायद आप प्रो बन जाएंगे मेरी नज़र में भी और अपनी नज़र में भी, है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और आने वाले टाइम में जो ड्राइविंग की वीडियोज़ आएंगी उनको देख करके आप ड्राइविंग में भी प्रो बन जाओगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो 5 गलतियाँ मैं बताऊँगा जिनमें से सबसे पहली गलती होती है भाई फास्ट ड्राइविंग, है ना। और टेकिंग माई पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रिसीजन, फास्ट ड्राइविंग इन द सेंस, जब आप गाड़ी में बैठ रहे हो भाई, जब गाड़ी को लेकर के कहीं जा रहे हो तो हमेशा ही तेज़ आप गाड़ी चला रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आप जो है ये गलती को सुधार लो, है ना। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको भाई 6 बजे आप कहीं निकल रहे हो, 7 बजे आपको पहुंचना है, रास्ता जो है बीच का 5 किलोमीटर का है, उसके बावजूद भी आप गाड़ी को 70-80 खींच रहे हो ना, तो भाई इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करते हो तो आप एक वाहिया ड्राइवर हो, क्योंकि भाई 90% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो फास्ट ड्राइविंग की वजह से ही होते हैं, ये चीज़ हम सारे लोग जानते हैं। और आप खुद सपोज़ करो कि अगर मान लो आप 80 की स्पीड से जा रहे हो, आपके सामने कोई जानवर, बच्चा, साइकिल, कुछ भी आ गई, भाई इंडिया जानते ही हो कैसी रोड्स वगैरह हैं, तो आप 80 की स्पीड में जो है अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लोगे, अगर नहीं भी कर पाओगे, ठोकोगे जब, तो भाई बहुत कम नुकसान होगा। मतलब 80 की स्पीड में तो रोक पाओगे ही नहीं, अगर ठुकती है तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं पर अगर आप 40-50 की स्पीड में रहते हो फिर आपकी गाड़ी ठुकती है ना, तो भाई बिल्कुल मतलब आधा नुकसान हो जाएगा, जस्ट हाफ, है ना, क्योंकि स्पीड भी हाफ है। और बहुत ज़्यादा चांसेस तो हैं कि 40-50 की स्पीड में आप कार को जो है वो कंट्रोल कर लोगे ब्रेक के थ्रू। तो इस वजह से कोशिश किया करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो स्लो चलाया करो गाड़ी। और नए ड्राइवर्स में ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है गाड़ी को हर वक्त तेज़ चलाने की, मतलब जब निकालना है तब तेज़ चला रहे हैं, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर, मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले ही गेन कर लो, ताकि बहुत पहले ही आप एक अच्छे दर्जे पर पहुँच जाओ, है ना, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इस वजह से अब जहाँ ज़रूरत है भाई, मान लो फ्लाइट छूट रही है या एकदम कोई हॉस्पिटल में एडमिट कराना है किसी को, या कोई है वहाँ जाना है तुरंत के तुरंत, ऐसी जो है सिचुएशंस में तो तेज़ चलाना ही चलाना है, तो वहाँ पर आप ज़रूर चलाएँ, बट जहाँ ज़रूरत नहीं है भाई वहाँ बिल्कुल भी तेज़ मत चलाओ। इसी के साथ भाई जाते हैं दूसरी गलती पे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है भाई ओवर होंकिंग। बहुत ज़्यादा लोग समझ गए होंगे जो मुझे देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भाई पढ़ी लिखी ऑडियंस अपनी सारे शब्द समझती है, बट जो नहीं समझ पाए उनको बता दूं, जो भाई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न बजाता है, मतलब हर सिचुएशन में जो हॉर्न बजाता है उसको ओवर होंकिंग बोलते हैं भाई। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न बजाना मतलब ओवर होंकिंग, है ना। अब जैसे मान लो भाई मैंने यहाँ से गाड़ी मोड़ के उधर निकाली, तो मुझे हॉर्न बजाने की ज़रूरत कहाँ पे है? उस गेट के पास में, ये देखो जहाँ वो अपाचे वाला भाई वहाँ पहुँचा ना, वहाँ पे हॉर्न मुझे बजाने की ज़रूरत है, ना कि मैं अगर यहाँ से जा रहा हूँ तो यहीं से पै 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 करते हुए जाऊँ। उससे क्या होगा, इस घर में जो रहता है वो डिस्टर्ब होगा, इस घर में जो रहता है वो डिस्टर्ब होगा, और भाई बहुत सारे पक्षी होते हैं जानवर होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। प्लस एक नौसिखिया जैसे जो है आप लगते हैं, तो प्रयास यही करें भाई कि जहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो वहीं पे हॉर्न बजाइए, वरना आप अपनी जो है डिपर्स का यूज़ कर सकते हो, वो भी किसी के पीछे मत मारो, क्योंकि मिरर्स में जो है कई बार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है वो डिपर्स को देख के, इरिटेशन फेस होती है। तो इसलिए प्रयास ये करो कि सामने से कोई आ रहा हो उसको आप संकेत देना चाहते हो कि आप आ रहे हो, हल्की सी डिपर मारो भाई, और उसके बाद मत करना हॉर्न्स। प्रयास करो, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, पीछे आप किसी गाड़ी के चल रहे हो भाई और सामने उसके भी गाड़ियां हैं, आप हॉर्न मारोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो भाई रेड सिग्नल पे हॉर्न बजाते हैं, मतलब क्या फ़ायदा यार उसका, तुम बस एक तरीके से नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हो, क्योंकि भाई रेड सिग्नल पे तुम कितना भी हॉर्न बजा लो सिग्नल आपके लिए बिल्कुल नहीं खुलने वाला। ऐसे ही कई लोग जो है रेलवे फाटक में हॉर्न बजाते हैं, तो भाई प्रयास करो बिल्कुल भी हॉर्न जो है वो रिक्वायर्ड जगह पर ही यूज़ करो। एक तो आपको हैवी हॉर्न लगवाने हैं, उसके बाद में आपको जो है हॉन्किंग भी बहुत ज़्यादा करनी है, तो प्रयास करो कि जितना कम से कम हो सके उतना हॉर्न्स का यूज़ करो। थर्ड चीज़ जो ऐसी है जो ड्राइविंग के वक्त में इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, ड्राइवर के एक अंदर नहीं होनी चाहिए, वो है भाई कॉम्पिटिटिव ड्राइविंग। अब आप सोचोगे इसका क्या मतलब निकला, तो भाई कॉम्पिटिटिव ड्राइविंग से मेरा मतलब यह है कि जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ क्रेटा लेकर के, है ना, आप जा रहे हो क्रेटा लेकर के और आपको एक ऑल्टो वाला जो है साइड से ओवरटेक करते हुए निकलता है ना, तो अब भाई आपके अंदर खिसियाहट चढ़ गई कि अरे यार ये अल्टो लिए भाई 3.5 लाख की गाड़ी हमको ओवरटेक करके जाएगा। भाई ऐसी जो चीज़ आती है उसके बाद में आप क्या कर रहे हो कि
बहुत ज़ोर से गाड़ी भगा रहे हो भाई, सबको कट मार रहे हो, सबके आगे डिपर मार रहे हो और हॉर्न बजा रहे हो पैं 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 पैं, मतलब आपका माइंडसेट जो है वो ये बन चुका है कि इसने हमको ओवरटेक कैसे कर दिया, इसको तो हम पीछे निकाल के ही मानेंगे। ये जो चीज़ है भाई ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है आप बहुत ज़्यादा अंधाधुन चला रहे हो। अब आपके दिमाग में किसी की सेफ्टी नहीं है, ना अपनी, ना ऑल्टो वाले की, ना बाकी जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो बाकी लोग रोड पर टहल रहे हैं, किसी की आपको टेंशन नहीं है। आपको एक टेंशन है, वो ये है कि भाई किसी तरीके से बस मैं इसे ओवरटेक करूँ। उसके लिए आप किसी भी हद तक जो है गिरने को तैयार हो जाओगे। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव ड्राइविंग, इसी को आप बोल सकते हो। इसमें आप अपनी भी जान को नुकसान में डाल रहे हो भाई, मतलब अपनी भी जान को खतरे में डाल रहे हो और सामने वाली की जान को जो है उसको भी खतरे में डाल रहे हो। तो प्रयास करो कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करो, कॉम्पिटिटिव ड्राइविंग मत करो। पता नहीं भाई सामने वाला कौन सी इमरजेंसी की वजह से आपको ओवरटेक करके गया है, हो सकता है भाई उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो, या हो सकता है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो, वहाँ उसे जल्दी से जाना है, किसी की मैयत का नाफा हो गया, कुछ भी हो भाई, हो सकता है आदमी को बचना हो। तो इस वजह से थोड़ा सा ना कोशिश किया करो कि थोड़ा सा मौका दिया करो अगले आदमी को, और कॉम्पिटिशन बंद कर दो। सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है, आप अपनी जो सेफ्टी है उसके खुद ज़िम्मेदार हो, प्लस दूसरों का ध्यान रखना भी आपका काम है, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो। फोर्थ चीज़ है अपनी स्किल्स पर ओवर कॉन्फिडेंस होना, या बहुत ज़्यादा आप जो है अपने ऊपर गर्व कर रहे हो, या घमंड जिसे मैं कहता हूँ, गर्व तो चलो ठीक है एक बार को, लेकिन घमंड अगर आप कर रहे हो तो चीज़ दिक्कत होगी, है ना। अब मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, देखो कॉन्फिडेंट आप हो ड्राइविंग के मामले में तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, बट अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि देखो भाई स्किल, ड्राइविंग स्किल एक ऐसी चीज़ है, एक मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा आपका बहुत ज़्यादा खास दोस्त है जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, ना ड्राइविंग स्किल्स की बात करूं तो इस वजह से कोशिश ये करना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप गाड़ी को ढंग से चला सको उतना ढंग से भाई चलाओ, वो चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है। तो ये चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए। कभी मान लो आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको ये नहीं सोचना कि मैं 10 साल से चला रहा हूँ, नीचे जानवर लेटा है हट गया, है ना। एक बार भाई देखो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा मामला है जहाँ पे नीचे जानवर है या दीवारों के बहुत करीब से आप गाड़ी निकाल रहे हो, तो अगर आप उतर के देख लेते हो तो उसमें कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, या फिर कहीं से भी आपको कॉन्फिडेंस जो है अपना डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसको ये मानो कि मैं एक बार डबल चेक कर रहा हूँ, और भाई जब आप डबल वेरिफिकेशन करते हो, चाहे आपका अकाउंट हो चाहे गाड़ी हो, दोनों चीज़ें भाई रहती हैं सेफ। लास्ट जो पॉइंट है उस पर हम पहुँच चुके हैं, फिफ्थ पॉइंट, और वो बेवकूफ़ी मुझे करना पसंद नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली। तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये रहता है भाई कि कई ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जिन्हें आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, खासकर कि दिल्ली और मुंबई में ऐसे ड्राइवर ज़्यादा देखने मिलते हैं। वैसे तो मैं किसी जगह को ऐसे वो नहीं ले रहा, बट हाँ वहाँ पर जो है मोस्टली मैंने देखे हैं लोगों को, करते क्या है भाई हरियाणा गुड़गांव साइड भी, तो वो सब किस चीज़ें खैर अलग है, बट वो करते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो भाई सामने जहाँ से वो भाई अपना ठेला लेके आ रहे हैं, वहाँ पे जो है रेड सिग्नल लगा हुआ है, और वहाँ पे भाई एक अपने क्रेटा वाले भाई बहुत स्पीड में आ रहे हैं 60-70 में, और जब आपको लगा कि अब तो बिल्कुल जहाँ जो वहाँ सिग्नल पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ भाई मार ही देगा और ख़त्म ही कर देगा काम, बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, तब जाके भाई वो बंदा खींच के ब्रेक मारता है और उसकी गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं वो भी भाई बिल्कुल झूल जाते हैं और कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, प्लस जो आगे गाड़ी में बैठा रहता है, जो पीछे उसके आता है, वो भी भाई ठोकते ठोकते बचाता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं सडन ब्रेकिंग, है ना, सन्न से ब्रेक मार दिया आपने, जब ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल ख़त्म भैया, अब तो मर्डर हुआ, अब तो सब तहस नहस होमासाइड हो गया है, समझे। तो ऐसी सिचुएशन में भाई जब ब्रेकिंग आदमी करता है बच तो जाता है, पर भाई यही है कि बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है भाई, गाड़ी की जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी घिस जाते हैं, प्लस जो अंदर लोग बैठे उन्हें झटका लगता है, गाली भी मिल जाती है कई बार। इस सिचुएशन को सडन ब्रेकिंग कहते हैं। अब इसमें नुकसान कई सारे हैं, जैसे मोटे मोटे तौर पे सबसे पहला नुकसान तो भाई आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड्स को होने वाला है, ठीक है, गिर जाते हैं भाई ओवर द टाइम। और मैंने ये देखा ना, मतलब मैं ऐसे लोग की बात नहीं कर रहा, कभी कभार सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है, बट अगर आपकी आदत ही है कि बिल्कुल करीब जाके चाँप के ब्रेक मारना है तो ये जो है थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसमें भाई आपका एक तो ब्रेक पैड ओवर द टाइम ख़राब हो जाएगा, सेकेंड चीज़ कई बार ऐसा होता है भाई प्रिसीजन के साथ काम नहीं हो पाता, या कुछ पुरानी गाड़ियां हैं जैसे सफारी वगैरह, तो इसमें प्रेशर वाली ब्रेकिंग होती है कि मतलब ब्रेक मारो, कई बार हवा आपको पूरी निकालनी पड़ जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा बार ब्रेक मारोगे, तो उसमें एयर टाइप की बनती है, फिर आप जब ब्रेक मारोगे ब्रेक ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल ही, है ना। कभी ट्राई करके देखना अगर आपके पास ये वाली गाड़ी हो तो, या बुलेरो वगैरह हो, तो उसमें आप जब बहुत बार ब्रेक मारते हो उसके बाद में सर सर की हवा आती है, फिर ब्रेक मारोगे ब्रेक लगेगी ही नहीं, है ना, ये जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से कई बार आप जो है आगे वाली गाड़ी में दहके मार दोगे, या सेकेंड चीज़ ये भी हो सकती है भाई कि आप
ब्रेक मार भी ले गए चलो, तो जो पीछे वाला होगा वो आपको आके बजा देगा पीछे से ना। तो ये जो है सिचुएशन हो सकती है। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप जाके आगे वाले को ठोक दो और पीछे वाला आके आपको भी ठोक दे, फिर वो आगे वाला और आगे जाके किसी और को ठोक दे, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई नुकसान जो है कुल मिला जुला के बहुत मैसिव स्केल पे होता है ऐसी चीज़ों में। इसलिए प्रयास ये करो कि ब्रेक्स जो है काफ़ी पहले से लो, मतलब ऐसी ब्रेकिंग करो भाई कि पता ही ना चले गाड़ी में जो बैठा है कि ब्रेक लगा है। बस गाड़ी आपकी सीधे जा रही थी ऐसे ऐसे रुक गई, ऐसी ब्रेकिंग होनी चाहिए। तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। खैर आज की वीडियो जो है थोड़ा लंबी खिंच गई, बट जो वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो इफ़ यू हैव एंजॉयड द वीडियो देन मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, दैट इज़ अ लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई अपलोड दीज काइंड ऑफ वीडियोज जिससे आपकी ड्राइविंग जो है दिन ब दिन बेहतर हो सकती है ना। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।